हेलो दोस्तों, ये देखिए रियलमी का C11 मोबाइल है। तो इसमें प्रॉब्लम है, देखिए क्या आएगा चार्जिंग का। ये देखिए चार्जिंग एरर आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, अच्छा से देखिए, थोड़ा अच्छा से दिखाएंगे। चार्जिंग इसमें एरर आ रहा है, देखिए चार्जिंग एरर है। तो इसको देखिए कैसे करके ठीक करेंगे हम लोग, मैंने दिए वीडियो में। ये देखिए बैटरी भी लगाएंगे फिर भी ये एरर बताएगा, खुलने से भी एरर बता रहा है। फिर से आप लोगों को कनेक्ट करके दिखाएंगे। देखिए बैटरी कनेक्ट कर दिया, और ये देखिए चार्जिंग में एरर दिखाएगा। ये देखिए एरर दिखा रहा है, ये सिंबल मतलब एरर है। तो देखिए कैसे करके इसको बनाता हूँ, बने रहिए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, देखिए इसमें प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए थोड़ा इसमें लाइट बहुत कम है, चार्जिंग एरर दिखा रहा है। तो देखिए ये सिंबल मतलब एरर है। तो देखिए इसको कहाँ से हम ठीक करेंगे आप लोग देख लीजिए। ये जो बैटरी है, बैटरी का जो BSI लाइन होता है, ये देखिए BSI लाइन यहाँ पे कटा हुआ है। तो बस कुछ नहीं, इसको सिर्फ छोटा जम्पर मारना पड़ेगा। देखिए देखिए अभी इसमें छोटा एक हम जम्पर कर देंगे। सो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स एक जम्पर मारना पड़ेगा, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, एकदम छोटा। यहाँ से लगे यहाँ तक हमने तो जम्पर कर दिया। अभी इसको चेक करेंगे हम। देखिए अभी इसको लगाएंगे, लगा के चेक करेंगे क्या होता है, ये सोल्यूशन ठीक हुआ कि नहीं हुआ हम बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, देखिए चार्ज होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए बैटरी का जो BSI लाइन था वो टूट गया था, इसी के कारण से ये नहीं हो रहा था। देखिए फ्रेंड्स अभी चार्ज होना स्टार्ट हो गया। तो अभी इसको हम, जो ये ख़राब हो गया था, इसको हम UV लैंप से थोड़ा ठीक कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे UV मास्क लगा दिया, अभी UV लैंप से इसको हम ड्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये UV मैक्स से इसको हम पूरा कवर कर दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखिए चार्ज होगा।
मेरे फ्रेंड्स देखिए ये 2% हो चुका है। अभी ये फ्रेंड्स 2% देखिए चार्ज हुआ है। अभी ये और 1% बढ़ेगा जब हम आपको दिखा देंगे चार्ज से निकाल के जो ये चार्ज बढ़ रहा है। तो ये चार्जिंग एरर का सोल्यूशन ये है, अगर BSI लाइन कोई भी BSI लाइन अगर कट जाता है, चाहे मोबाइल का मदरबोर्ड से क्यों ना हो, चाहे आपका बैटरी से क्यों ना हो, वो BSI लाइन कट जाने से ही ये चार्जिंग एरर का सिंबल आता है। तो देखते रहिए वीडियो मेरा, कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। तो फ्रेंड्स देखिए ये 2 से 3% ये बढ़ गया चार्ज, देखिए 3% ये हो गया। अभी कोई चार्जिंग का एरर का इशू नहीं है। सो अभी ऑन करेंगे सेट को, मतलब देखिए इसे ऑन होगा। ऐसा दोस्तों नॉर्मल इशू है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आप लोग कोशिश करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, छोटा मोटा प्रॉब्लम है। तो इसका प्रॉब्लम आराम से ठीक हो जाता है, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। जो BSI लाइन होता है, अगर बैटरी से भी नहीं हुआ है ये, तो BSI लाइन आप लोग चेक करके देख लीजिएगा मल्टीमीटर से, तो ये मालूम चल जाएगा जो ये कहाँ से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मोबाइल ऑन होने तक आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे चार्जिंग भी शो करेगा। देखिए यहाँ पे 3% चार्जिंग भी शो कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स बताइएगा कमेंट करके नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।